दरअसल आपको बता दें, राजस्थान में अस्पष्ट बहुमत मिलने के बाद से मुख्यमंत्री के नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्मा गया है। वसुंधरा राजे से लेकर अन्य नेता भी सक्रिय हो गए हैं। भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में किसके नाम पर मुहर लगेगी वह एक दो दिन में तय हो जाएगा। वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे के समर्थकों ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार और मंगलवार को 70 विधायकों से मुलाकात की है। इन सभी विधायकों ने वसुंधरा के दावों का समर्थन किया है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ के नाम भी चर्चा में हैं। वसुंधरा के समर्थक और 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ ने दावा किया है कि उनसे 70 विधायकों ने मुलाकात की है। राजे जहां गई वहां भाजपा जीती है। वसुंधरा राजस्थान में भाजपा की सर्वमान्य नेता है। वसुंधरा से मुलाकात के बाद विधायक बहादुर कोहली, गोपी चंद मीणा और सारा राम गरासिया ने कहा है कि हमारी राय पूछी गई तो वसुंधरा पहली पसंद होंगी। सराफ ने कहा, वसुंधरा हमारे सर्वमान्य नेता है। पार्टी तय करेगी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी में व्यक्तिगत पसंद नहीं होती। दरअसल चुनाव नतीजे आने से 3 दिन पहले ही वसुंधरा सक्रिय हो गई थी। जीतने की संभावना रखने वाले निर्दलीय विधायकों से भी उन्होंने संपर्क साधा था। विधायकों को खुद फोन कर बधाई दे रही थी। इसका ही नतीजा है कि राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर आए नतीजों में भाजपा को 115 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस की 69 सीटों पर जीत हुई है। शेष सीटें अन्य छोटी पार्टियों और निर्दलीयों को गई हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राज्य में राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है।